सरकार जो भी कानून लाती है वो अपने तरीके से अच्छा ही लाती है। ये मेरे बराबर में किसान भाई खड़े हैं, इनके लिए भी एक कानून लाई थी, इनको भी 14 महीने यही समझाते रहे कि अच्छा है अच्छा है अच्छा है, मगर उसके बाद जब सरकार को समझ में आया तो बोले कि हम शायद आपको समझा नहीं पाए। तो वही शायद हमारे साथ भी हो रहा है, वो कानून नहीं है, वो हमारे लिए एक फांसी का फंदा है और जिसमें सिर्फ हमें लटकना बाकी है। तो सरकार जो कानून लाएगी वो जनता हित में या समाज हित में कह के लाती है, मगर वो हित नहीं होता, वो अहित ही होता है। उसमें प्रावधान है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो रुकिए और रुकिए, उसको लेके जाइए। आपको लगता है इस देश की जो जनता है, जो पब्लिक है, वो इतनी समझदार है? कितने ड्राइवरों को सड़कों पे मार दिया जाता है मॉब लिंचिंग के द्वारा, कोई ड्राइवर रुकेगा? और रुकता है तो भी वो 5 साल 7 लाख का जुर्माना, नहीं रुकता है तो भी वो 10 साल। हमारा प्रश्न ये है कि हम जो ये गाड़ियों की 50-50 हज़ार या लाखों रुपए की इंश्योरेंसें कराते हैं, ये किस लिए होती हैं? आप अपना बीमा कराते हैं, थोड़ी देर के लिए मानिएगा, आप अपना बीमा कराते हैं 20-25 हज़ार रुपये जो आपका स्वास्थ्य का होता है। तो एक तरफ तो भाई सरकारी अस्पताल में भी इलाज होता है ना, फिर क्यों कराते हैं आप? इसलिए कि मुझे इलाज तुरंत मिल जाए, आप समझे मेरी बात को। तो ये कुल मिला के सरकार घुमा फिरा के इन इंश्योरेंस कंपनियों के साथ इनकी कोई साठ गांठ है, उनको फायदा। हम इसलिए कराते हैं कि अगर हमारी गाड़ी से किसी की दुर्घटना हो तो उसका जुर्माना या जो भी लगता है वो इंश्योरेंस कंपनी दे। सरकार कुल मिला के भ्रमित कर रही है और ये कानून नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, ये फांसी का फंदा है। अगर ये अच्छा होता तो 25 करोड़ ड्राइवर सड़कों पर खड़े हैं।